हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली दो इजी बन हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। फ्रेंच बन हेयर स्टाइल होंगे और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आसानी से एक खूबसूरत क्यूट से बन हेयर स्टाइल देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, उससे सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी जाइए, उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए। और इंस्टा आई प्रीत तिवारी 24 है। तो सबसे पहले इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैं फ्रंट से कोई हेयर स्टाइल नहीं बता रही हूँ आज, सिर्फ बैक से बताऊँगी। तो इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पोनी बनानी होगी। पोनी बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है। हाई आप चाहो तो थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा लो मत रखिएगा। ओके, उसके बाद से रबड़ बैंड से अच्छे से एक पोनी बना लीजिए। पोनी बनाने के बाद से थोड़ा सा हेयर को लूज करेंगे, यहाँ से फिंगर इंसर्ट करेंगे एक साइड से। ओके, इस तरीके से, और दोनों फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी हेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब ये उल्टा लेके जाओगे ना तो फिर फंसता है और अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से लेके जाना है और इसको खींच लेना टाइटली। ओके, टाइट कर लोगे तो आपका जो रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाएगा अच्छे से। तो ये मैंने टाइट कर लिया है। उसके बाद आपको एक क्लचर ले लेना है इस तरीके से और यहाँ पे लगा देना है। ओके, सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चोटी बनानी स्टार्ट करनी है। ओके, इस तरीके से चोटी घुसते जाएंगे और हेयर का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके इसके साथ ऐड करते जाएंगे। और पूरे बालों को इसी तरीके से गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। एंड तक पूरा इसी तरीके से गूंथ लेंगे। इसको गूंथने के बाद से इसको क्लचर के अंदर इस तरीके से लाके और इन कर देंगे और बाकी हेयर को इस तरीके से क्लचर के ऊपर से लेके जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे यूपिन की मदद से इसको सेट करेंगे। आप ये क्लचर नहीं भी लगाओगे तो आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बनेगा, और लगा लोगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। तो इस तरीके से पूरा मैंने बना लिया हेयर स्टाइल और यू पिन की मदद से इसको सेट कर लिया है। साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा, आप अच्छे से देख के किसी की हेल्प लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और अपने आप से भी आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ऐसे कीजिएगा कि आपका क्लचर जो है वो अच्छे से हाइड हो जाए, कहीं से दिखे नहीं, और इस साइड का लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। और इस साइड से ऐसे आएगा, आप यहाँ पे कोई हेयर जो सजाने वाले फ्लावर्स आते हैं या फिर कोई यूपिन हो आपके पास स्टोन वाला, वो आप ऐड कर दीजिएगा और ऊपर से कुछ इस तरीके का लगेगा। तो ये था फर्स्ट हेयर स्टाइल, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो, चाहो तो कोई फ्रंट में हेयर स्टाइल भी बना सकते हो। मैंने फ्रंट के लिए भी बहुत सारा ओनली फ्रंट में कैसे हेयर स्टाइल रखे उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई। साइड से इस तरीके से लेयर निकाल देना है और ये हमारा फाइनल लुक है हेयर स्टाइल का। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए पहले ये वाले हेयर स्टाइल खोल लेते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए भी आपको सिंपली पोनी बनानी है। सबसे पहले आप इस साइड से एक साइड से हेयर इस तरीके से छोड़ दोगे थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा हेयर छोड़ना है, बाकी सारे हेयर को इस तरीके से हेयर छोड़ दिया मैंने यहाँ से। अब बाकी बचे हेयर्स को एक पोनी बना लेंगे।
अच्छे से एक थोड़ी सी हाई पोनी बना लेंगे। और कुर्ती के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम कुर्ती के लिए हेयर स्टाइल बताइए, तो बहुत जल्दी वो भी हेयर स्टाइल मैं लेके आ जाऊँगी। तो इस तरीके अगेन मैंने रबड़ बैंड लगा लिया है, रबड़ बैंड को थोड़ा सा लूज करेंगे, साइड से फिंगर इंसर्ट करेंगे। ओके, अच्छे से हेयर को लूज करके और फिंगर इंसर्ट कर लेंगे। और ये सारा हेयर स्टाइल हेयर इधर से लेके ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ओके, देन थोड़ा सा ये जो हमारा हेयर था इस साइड का हेयर अच्छे से कॉम करके बैक साइड में लेके जाएंगे। ओके, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली ऐसे क्रॉस करके जो आपका पोनी का हेयर है उसके साथ लेके ब्राइड बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से सेम। और ये भी बहुत प्यारा लगता है और स्टाइलिश लगता है, और इसमें आपको क्लचर भी नहीं लगाना पड़ेगा। उस वाले हेयर स्टाइल में भी आप क्लचर नहीं लगाओगे तो भी बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल आपका बन के रेडी हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं हेयर स्टाइल की बहुत सारी चीज़ें मंगवाते जा रही हूँ ऑनलाइन, और जो मेरे को मार्केट से मिलता है वो मार्केट से भी बाय कर लेती हूँ, ताकि आपको और भी अमेजिंग हेयर स्टाइल और जो हेयर स्टाइल के साथ हेयर सजाने वाली चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मंगा के आपको बहुत इजी इजी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, इस तरीके से बना लेंगे। जितना भी बचा हुआ हेयर है उसको सिंपल चोटी बना लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इस साइड का जो हेयर है वो रबड़ बैंड है वो दिखे नहीं। अब ऐसे करके सिंपली यूपिन से इसको भी सेट कर देंगे। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा दोनों में से वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस साइड का रबड़ बैंड अगर दिख रहा है इस साइड से, तो आप यहाँ से एक यूपिन लेके ऐसे करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना, तो आपका रबड़ बैंड नहीं दिखेगा। और ये है सेकंड हेयर स्टाइल, और काफ़ी स्टाइलिश है, दो फ्रेंच बन हेयर स्टाइल है जो कि बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। और आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और कोई भी हेयर स्टाइल आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और जो कुर्ती के लिए हेयर स्टाइल है वो भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।